बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजी साथियों, हमने अपना सातवां कैंप यूसी अराजी के एक गांव गोट अलावरायो में लगाया और इसमें हमें जो सजादा नशीन हैं सैयद शाह फहद, उन्होंने बड़ी हेल्प की और वो हमें वहाँ लेके गए और उन्होंने ये तस्दीक की कि यहाँ पे गाँव में बहुत नुकसान हुआ है और उन्होंने बताया कि 2010 में जब सैलाब आया था तो ये सारा इलाका तबाह हो गया था और 2022 तक बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने बेचारों ने अपने कच्चे पक्के मकानात थोड़े बहुत बनाए थे और कुछ थोड़ी सी इनकी हालत बेहतर हुई थी, लेकिन इस अचानक सैलाब से बिल्कुल ये फिर दोबारा वहीं पे पहुंच गए ज़ीरो पे। और हमने मुख्तलिफ मकानात भी देखे जो बिल्कुल गिर चुके थे और छतों का कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और अब सूरत हाल ऐसी है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि इनमें इनकी माली हालत इतनी नाजुक है कि ये बेचारे ईंटें वगैरह भी नहीं ख़रीद सकते, कुछ नहीं कर सकते, दोबारा बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए ये फिर अब हुकूमत ही है कि हुकूमत जो है वो इनकी इमदाद करे और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं NGO वगैरह हैं वो भी इसमें हिस्सा डालें, तो तभी मुमकिन है कि ये लोग दोबारा की नॉर्मल एक ज़िंदगी शुरू हो जाए। और ऊपर से सर्दी आ गई है, अब सर्दियों में ये बेचारे टेंटों में भी कैसे रहेंगे, ये तो बेचारे सर्दी से मर जाएंगे। तो बहुत नाजुक सूरत हाल है जिसमें हम सबको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस गांव में एक डेरा था, वहाँ पे हमें शाह साहब ले गए, तो वहाँ पे हमने वो लोग जो जिनके घर गिर चुके थे उनकी फहरिस्त बनी हुई थी उनको बुलाया गया और उन तमाम मर्द हजरात को जो है वहाँ पे हमने मुख्तलिफ अशिया जो हैं ख़ास तौर पर राशन वगैरह, और क्योंकि मच्छरों की बड़ी वहाँ पे भरमार है और मलेरिया बहुत आम है, तो इसलिए मच्छर मार अद्वियात और स्प्रे और इसी तरह की चीज़ें, इसके अलावा मच्छरदानियाँ और दीगर अशिया जो हैं सारी, और सर्दियों के लिए कपड़े स्वेटर्स कोट्स इस तरह दीगर अशिया जो हैं ये सारी चीज़ें हमने उनको उसी तरह से एक नज़म व ज़ब्त के साथ कितार बनाई गई और उसमें फिर बारी बारी फहरिस्त के मुताबिक उनको बुलाया गया और सब लोगों को बारी बारी जो है ये तमाम सामान जो है उनमें तकसीम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप